तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस सीट का हाल जिसकी पहचान कभी राजस्थान में होती थी। वजह थी रामगढ़ बांध, लेकिन जैसे ही बांध सूखा राजनीति भी सूखे और भराव के बीच में फंस गई है। यहां जनता का माहौल क्या है ये बताएं, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए। जमवा रामगढ़ सीट 2008 में परिसीमन के बाद से एसटी रिजर्व हो चुकी है, लेकिन इस सीट का इतिहास यहां के इतिहास के जैसा ही है। इस सीट के क्षेत्र में रामगढ़ बांध आता है जिसमें पानी लाने के नाम पर नेता सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन इस बांध में पानी नहीं आता। इस बार फिर यही मुद्दा रहने वाला है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। इस सीट पर 62,000 के करीब एसटी मतदाता है, इस सीट पर 32,000 के करीब एससी मतदाता है, ब्राह्मण 36,000 और 30,000 के करीब गुर्जर है। लेकिन ये तय है कि सीट का समीकरण गुर्जर वोट बैंक बदलने वाला है। लेकिन अगर सियासी इतिहास को देखे तो पता चलेगा कि 1993 में यहाँ से बीजेपी के राम राय शर्मा जीते, 1998 और 2003 में कांग्रेस के रामचंद्र शर्मा जीते, 2008 में यहाँ पर परिसीमन हुआ, सीट एसटी रिजर्व हो गई, 2008 में कांग्रेस से गोपाल मीणा जीते, 2013 में यहाँ से बीजेपी के जगदीश मीणा जीते। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के जगदीश मीणा विधायक है, तो वहीं कांग्रेस के गोपाल मीणा फिर से दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन यहाँ की समस्याएं क्या है ये भी आपको बताते हैं। जिला अस्पताल की मांग लंबे वक्त से है, सरकारी कॉलेज की मांग तेजी से उठ रही है, रामगढ़ बांध में पानी लाने का वादा 20 सालों से अधूरा है। इसके अलावा बिजली, पानी और सड़कें हर सीट की तरह यहाँ की भी समस्याएं हैं। लेकिन क्या रामगढ़ बांध में पानी लाने का वादा फिर से किसी को विधायक ही दिला जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। जमवा रामगढ़ के सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण और समस्याओं के बाद अब आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल क्या है, जरा ये भी देखिएगा। चुनावों से पहले माहौल क्या है, इसी को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं जमवा रामगढ़ विधानसभा सीट, और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं वो है रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ और रामगढ़ बांध अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नजारा भी यहां पर देखने को मिलता है और एक दूसरे के अनुरूप भी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ की तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कहती है, या यूं कहें कि बदलती हुई नजर आ रही है, और उसकी जो मायूसी है वो यहाँ के लोगों के चेहरों पर नजर आती है। लेकिन फिलहाल चुनावों से पहले माहौल जानने के लिए मैं आई हूँ अपने सहयोगी सोहन और राम अवतार के साथ। तो ये समझना होगा कि फिलहाल अभी यहाँ के मुद्दे क्या है, क्योंकि रामगढ़ बांध का पानी का मुद्दा जो है वो ना जाने कितने वक्त से यहाँ पर छाया हुआ है। शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर 1993 का जिक्र करें तो भाजपा जरूर यहां पर जीती थी, लेकिन उसके बाद पिछले 3 बार से कांग्रेस की जीत यहां पर होती रही। 2008 में परिसीमन हुआ, एसटी यहां पर सीट जो थी वो रिजर्व यहां पर हो गई। उसके बाद 2008 में कांग्रेस जीती, लेकिन फिर 2013 में जगदीश मीणा भाजपा के, उन्होंने अपनी जीत यहाँ पर दर्ज की। लेकिन अब फिलहाल जनता यहाँ पर क्या चाहती है, कि यहाँ पर विकास हुआ है, जो पानी का मुद्दा यहाँ पर था रामगढ़ बांध का वो यहाँ पर सोल्व हो पाया है। उसके अलावा अगर मेडिकल की हम बात करें या एजुकेशन की बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो 4 लेन बनाने की बात हो, क्या वो पूरे हो पाए हैं, यही समझना होगा जनता के मूड को, और करते हैं विकास की पड़ताल। तो चलिए मेरे साथ। चुनाव आने वाला है काका, क्या माहौल कोई नजर आ रहा है? माहौल है जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, और हमारे विधायक है ना जगदीश नारायण मीणा जी, उनके पक्ष में है यहाँ का माहौल। क्योंकि जगदीश नारायण मीणा जी ने बहुत काम करवाए हैं, जयपुर से यहाँ रामगढ़ के 4 लेन, रामगढ़ के बंदे तक 4 लेन, और लो फ्लोर बसे चालू करवा दी, 28 जो गौरव पथ है जो चालू करवाए, बहुत फर्स्ट क्लास है, और आर ओ प्लांट लगाए हैं, 30 RO प्लांट लगा दिए, और यहाँ की जो व्यवस्था जगह जगह हर गाँव डाणी के अंदर सड़कें बनवा दी, और भामाशाह कार्ड है जिसके जरिए जो उज्ज्वला कनेक्शन जो योजनाएं बनी है उससे बहुत बढ़िया है।
सरकार कोई सुन रही नहीं है और सारी परेशानी काय कौन सुना अपन वहाँ कोई विधायक भी रामगढ़ में पानी की समस्या हो रही है पूरा एरिया में पानी कोनी में खेती के लिए किसान परेशान हो रहे थे बिजली के बिल आसमान में जा रहे हैं डॉक्टर कन जावा के फ्री की दवाएं मद रही है और यह भी नहीं है यह भी नहीं है इनके कहीं जन्म देवड़ा रोबन बैठे जो यह भी खेनी पड़े थी मान आप क्या चाहते हो अभी ये एमएलई साहब से जो दम खाओ को नहीं चाहते माहौल तो बन चुका है लेकिन जो जनता को सरकार से जो अपेक्षाएं थी वह जमुआ रामगढ़ में तो कहीं भी खरी नहीं उतरी और पूर्ण रूप से यहाँ की जनता इस बात से निराशाजनक है कि जो उन्होंने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय लोगों पर जो विश्वास जताया था उसमें जनता को केवल मायूसी मिली है इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ के प्रमुख 2-3 मुद्दे थे जो जयपुर शहर से भी जुड़ा हुआ था जमुआ रामगढ़ बंदा जिसको यमुना नदी से जोड़ने की पिछली गवर्नमेंट से भी काफ़ी प्रयास हुए थे उस समय भी वो मूर्त रूप नहीं ले पाई। पानी का बड़ा मुद्दा हो गया। हाँ। और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास का कोई नाम नहीं है पूरे जयपुर जिले के नजदीक होते हैं यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है विधायक ने विकास का काम किया है ना यहाँ कोई औद्योगिक या रिको का कोई वो है अति पिछड़ा है जमा रामगढ़ में एक तो बांध में पानी आना चाहिए और ये जो गाँव की सेंचुरी में है जो प्रतिबंध गाँव है उनको हटाना चाहिए। यहाँ पे एक तो मेन फर्स्ट के रामगढ़ बांध मेन जो कारण है बहुत समय से खाली है यहाँ पे कई टाइम पे नौकायन प्रत्यक्ष हुई थी उसके बारे में कोई विचार नहीं है। दूसरी बात है जो मेन रोड है हाईवे जो 4 लेन चल रही है अभी तक काम पूरा नहीं हुआ उसके आप देखोगे स्थिति उसकी उखड़ गई। पहले कॉलेज नहीं है सरकारी बहुत बार घोषणा हो चुकी है लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं है ना ही कोई रोजगार के लिए अच्छी जैसे कि एरिया वगैरह कुछ नहीं है वादा किया था सब पूरा नहीं हुआ। क्या वहाँ पे जब आप जाते हो क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कल आना फिर जाते हैं परसों आना क्यों वहाँ पे बैठते नहीं अंदर बैठते देखना चाहिए हम तो भाग जाओ ऐसे कल परसों आना ठीक है फिर हम वहाँ से आते हैं 10 किलोमीटर से पैदल काश्तकार आदमी हमारे पास कोई साधन नहीं है और एंट्री की मशीन में एंट्री कौन है अरे भाई हमको कुछ बता दे कल आना बस फिर काय करें तो आ जाओ। क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? परेशानी तो एक तो हमारे साहब सबसे ज्यादा तो हम तो डांडा से ज्यादा परेशान हो गए और पानी भी नहीं है हमारे पास। अच्छा। पीने का 2 दिन में 3 दिन में ही बगाता है सारी बात से परेशान है। नोटबंदी में परेशान कर दिया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। चुनाव से पहले माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ लोगों का बहुत अच्छा रुझान है फिर से लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने मगर सरकार बनाना चाह रहे हैं लोग बाग आम जन की ये मतलब भावना है कि व्यवस्थाएं चेहरा बदल के कुछ अगर नया हो तो जरूर लोग वापस बीजेपी से जुड़ना चाहेंगे। मुख्य मुद्दे देखो पानी को लेकर एक बड़ी मुद्दा है महंगाई तो यही महंगाई है बहुत ज्यादा महंगाई बहुत तेज धंधा नहीं है बिल्कुल भी